Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very relevant topic in the field of education, that is Education 4.0, a paradigm shift in pedagogy. So do subscribe my channel, and the topic will be useful for various teaching examinations, your B.Ed, M.Ed, B.A., M.A. syllabus, C.Ted, U.P.Ted, and in general too. So let's start. First of all, Education 4.0. What is Education 4.0? आजकल बहुत बात हो रही है, हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब 4.0. अब तो खैर एजुकेशन 5.0 की भी बात होने लगी है, लेकिन अभी हम फिलहाल एजुकेशन 4.0 से ही शुरू करेंगे. और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, है ना? तो हमको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि एजुकेशन में 4.0 का क्या मतलब है. मैं टाइम लेके एजुकेशन 1, 2, 3 भी बनाना चाह रही थी, पर अभी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं उसको भी बना दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन कैसे इवॉल्व होके 4.0 तक आई है. 1.0 से 2.0 आई, फिर 3.0 आई, 4.0 में क्या है. तो एजुकेशन 4.0 इज अ रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0. मतलब कि जैसे जैसे इंडस्ट्री रिवॉल्व कर रही है, इवॉल्व कर रही है, उसमें रिवोल्यूशन आ रहा है और वो 4.0 पे पहुंच गई है, तो एजुकेशन को भी उसके संगत होना पड़ेगा कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं, हम उसके हिसाब से एजुकेशन दे पा रहे हैं कि नहीं, हम उस हिसाब से ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं. वी आर ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी आर अलाइंड टू इनेबल न्यू पॉसिबिलिटीज. हम सभी जानते हैं कि तकनीकी इस कदर हावी हो चुकी है हमारी जिंदगी पर कि अगर हम उसको उसके संग अलाइनमेंट नहीं करेंगे, अगर उसको छोड़ देंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, तो बहुत हम पीछे रह जाएंगे. इवन आप कह सकते हैं कि आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, यू कैन से. आर अलाइंस टू इनेबल न्यू पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो जितनी नई नई संभावनाएं ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के अलाइनमेंट से हो जानी चाहिए, जैसा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 कह रहा है, तो उसके संगत, उसकी आवश्यकताओं के उत्तर में हमने एजुकेशन 4.0 को इवॉल्व किया है. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोकसेस ऑन स्मार्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका एलेक्सा, आपका स्मार्ट वॉच, आपका मोबाइल फोन, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न होते हैं. रोबोटिक्स, बिग डेटा, IoT, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो हमको इसी के संगत तो अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, उसको अपग्रेड करना होगा. एजुकेशन 4.0 रिक्वायर्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पैराडाइम फॉर टीचिंग लर्निंग. टेक्नोलॉजी मस्ट बी क्रॉस कटिंग ईच आस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम, यानी कि ये एजुकेशन 4.0 बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम की बात कर रहा है कि आप टीचिंग लर्निंग इस तरह से कीजिए कि टेक्नोलॉजी क्रॉस कटिंग ईच आस्पेक्ट हो. मतलब अलग से टेक्नोलॉजी को पढ़ाना नहीं है, पर हर टॉपिक में, हर बातचीत में, हर लेक्चर में, हर डिस्कशन में वो आनी चाहिए. हायर एजुकेशन मस्ट रिविजिट द न्यू एजुकेशनल पैराडाइम, और स्पेशली हमारा जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, उसको तो एजुकेशन 4.0 को अपनाना ही होगा. क्या कह रही है मॉडर्न पेडागॉजी? मॉडर्न पेडागॉजी, अब हम यहाँ पेडागॉजी पे नहीं जाएंगे, बहुत बार बात हो चुकी है, आई नो कि आपको पता है पेडागॉजी क्या है. तो मॉडर्न पेडागॉजी मस्ट बी बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, रिसर्च बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सबको हम इंक्लूड नहीं कर सकते. कोलैबोरेटिव लर्निंग पे एक अलग से मैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है, अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? दिस प्रोड्यूसेस इंटेलेक्चुअल सिनर्जी ऑफ मेनी माइंड्स कमिंग टू बियर ऑन ए प्रॉब्लम एंड द सोशल स्टिमुलेशन ऑफ म्यूचुअल एंगेजमेंट इन ए कॉमन एंडेवर. यानी कि एक कॉमन एंडेवर में हमको मिलजुल के रहना है, म्यूचुअल एंगेजमेंट करना है, इंटेलेक्चुअल सिनर्जी करनी है, बहुत सारे दिमाग की इंटेलेक्ट को हमको जोड़ के सोशल स्टिमुलेशन करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है. ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इस तरीके से चलनी चाहिए मॉडर्न पेडागॉजी. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? इट स्टार्ट्स बाय पोजिंग क्वेश्चंस. शुरुआत टॉपिक से मत कीजिए, शुरुआत क्वेश्चन से कीजिए. प्रॉब्लम रादर देन सिंपली प्रेजेंटिंग एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, बताने से बजाय इसके बताइए कि प्रश्न, जैसे कि बीएड में भी पूछते हैं आप, बहुत सारे लोग बीएड किए कराए हैं, कि आप पहले क्वेश्चन से स्टिमुलेट कीजिए बच्चे को, तो वो सोचने की कोशिश करेगा. मतलब क्लासरूम की जो शुरुआत वो सोचने से हो. इट हैज इमर्ज्ड एज अ यूनिक पेडागॉजी टू मेक स्टूडेंट्स अलर्ट इन द क्लास एंड यूटिलाइज देयर थिंकिंग. मतलब अपनी थिंकिंग पैटर्न को यूज तो करें, सारे नहीं सोच पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे, कुछ कुछ हद तक सोच पाएंगे, बट एटलीस्ट सोचें तो.
or research based learning. It aims to promote and develop student competencies related to research practice and to benefit students. और NEP 2020 ने भी कहा है कि emphasize for the establishment of research universities. क्यों? क्योंकि हम लोग रिसर्च में बहुत लैग करते हैं. हम क्यों एट पार नहीं है विश्व की महानतम जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बढ़िया कॉलेजेस हैं, बिकॉज रिसर्च जो है वो हमारे यहाँ बहुत 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 पुअर कैटेगरी की है. तो आप क्लासरूम से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कि रिसर्च प्रैक्टिसेस कैसे करना है, सारी बातें. ओके, देन मॉडर्न पेडागॉजी में और क्या आ जाएगा? पर्सनलाइज्ड लर्निंग. अब वैसे नहीं चल पाएगा कि आपको सब सारी क्लास को एक जैसा असाइनमेंट देना है, सारी क्लास को एक ही मेथड से पढ़ाना है. बट और जैसे ही हम ई लर्निंग की बात करते हैं, वैसे ही वो ई लर्निंग पर्सनलाइज्ड हो जाती है. हमने ई लर्निंग पे भी बात की है, आपसे पुराना वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं कि ई लर्निंग का मतलब ही क्या है कि स्वयं अपनी गति से पढ़ेगा, अपने हिसाब से वो यूट्यूब की गति सेट करेगा, अपनी बार पढ़ेगा, जितनी बार मन करेगा उतनी बार रिवाइंड करेगा, दोबारा पढ़ेगा, जल्दी सुनेगा, देर से सुनेगा, कैसे सुनेगा, वो उसका अपना टेस्ट है ना, किसका, स्टूडेंट का. तो ई लर्निंग कैन बी टर्म्ड सिनोनिमस विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग. कभी भी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग पर्सनलाइज नहीं हो सकती. यहां हो सकती, व्हाई? बिकॉज़ हियर ईच इंडिविजुअल कैन लर्न विद हिज और हर ओन पेस. इफ वी गो फॉर इट देन वी कैन ऑल्सो केटर टू द डाइवर्सिफिकेशन एंड प्लूरलिज्म इन क्लास, अगर हम ई लर्निंग को अपनाते हैं तो. और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अलग से एक टॉपिक बन जाता है. आपने पढ़ा होगा कि कोलबे का कंसेप्ट है ये. इट मीन्स लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और लर्निंग. जब हम अनुभव करके सीखेंगे, जब हम करके सीखेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारी लर्निंग होगी वो परमानेंट होगी. इट फर्स्ट इमर्जेस लर्नर्स इन एन एक्सपीरियंस. तो ये क्या कहता है? कहता है कि लर्नर को पहले के एक्सपीरियंस प्रोवाइड कीजिए एंड देन इनकरेजेस रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्सपीरियंस टू डेवलप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. और जब उस एक्सपीरियंस के बारे में वो रिफ्लेक्ट करेगा तो नए तरीके से सोचने की क्षमता उसके दिमाग में उत्पन्न होगी. देन इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें. क्या नवाचार शिक्षण की आव्यूह रचना में, तकनीकी में आ गया है? तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग. एजुकेशन 4.0 डिमांड्स फॉर इनोवेशन एंड दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज. आजकल आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है. हु इज रिच, हु इज रिचर, हु हैज इनोवेटिव आइडियाज. आइडिया इज मनी नाउडेज, है ना. ये आपका बायजूस, ये आपकी सब नई नई चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? आइडिया से, कि ऐसा किया जा सकता है, ये किया जा सकता है. विचार चाहिए, तो विचार उत्पन्न करने की क्षमता हमको क्लासरूम से डेवलप करनी होगी, कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन हो, रिवर्स ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो. ओके, देन गेमिफिकेशन. गेमिफिकेशन इज द यूज ऑफ गेम लाइक एलिमेंट्स इन नॉन गेम लाइक सिचुएशन. हम सभी समझते जानते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब रहता है. वैसे हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी स्टूडेंट ही है, बाल मन ही है उसके पास, कि वो सबसे ज्यादा खुश रहता है जब वो खेलता है. क्योंकि खेल में जो भावना है वो पढ़ाई में कभी नहीं आ सकती, कि हम जीत रहे हैं, हमको इससे भी कम्पीट करना है, हम इससे आगे निकल गए, हम सबसे आगे हैं, या तुरंत रिवॉर्ड मिलता है. ये सारी चीजें गेमिफिकेशन में आती हैं. तो एक्सपीरियंस ऑफ गेमिफिकेशन ब्रिंग्स बेटर रिटेंशन एंड ग्रेटर लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. आपको सभी लोगों ने यूज कर लिया अपने ये कोविड टाइम में कि काहूत बहुत अच्छा गेम ऐप है. देन स्पेस्ड रिपीटिशन शेड्यूल. इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड प्रूवन साइकोलॉजिकल टेक्निक एंड मस्ट बी यूज्ड बाय मॉडर्न टीचर्स एज वेल. कि हमको स्पेस्ड रिपीटिशन देना है, एक बार पढ़ाने के बाद फिर हमको थोड़ा स्पेस देना है, फिर रिपीट करना है, फिर स्पेस देना है, इस तरह से जल्दी. ये मेमोराइजेशन की टेक्निक है. Then behavior management technique. It is related with positive psychology and deal with mental, spiritual and emotional well-being of students. हम सभी लोग जानते हैं कि ये एकदम स्ट्रेस का जमाना है, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतना प्रेशर है स्टूडेंट पे, टीचर पे, सब पे. तो हमको क्या करना है? पॉजिटिव साइकोलॉजी की शरण में जाना होगा. पॉजिटिव साइकोलॉजी किसकी बात करती है? हैप्पीनेस की बात करती है. वो ये नहीं कहती कि दुख कम कीजिए, वो कहती है खुशी की शरण में जाइए, खुशी अपनाइए. तो मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं बेहतर हो, तो बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक को भी अपनाना होगा. देन ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल पेडागॉजी. कैसे हम अपने ट्रेडिशनल पेडागॉजी को चेंज करके E4 कर लें, एजुकेशन 4.0. तो क्या बदले? ई कंटेंट. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ई कंटेंट इज दैट इट कैन बी शेयर्ड टू एनीवन एंड एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली. सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए. इन न्यूमरस स्टूडेंट्स को आप अपना कंटेंट भेज सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब. यूट्यूब पे जो वीडियो है वो कोई भी देख सकता है दुनिया में, है ना. तो ई कंटेंट, कंटेंट को ई कंटेंट बनाना होगा. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ई लर्निंग मैनेजमेंट बनाना होगा. हम सभी लोगों ने जब कोविड टाइम में, उसके पहले मतलब बमुश्किल कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे इसके बारे में, जो IITs, IIM बढ़िया इंस्टीट्यूशन में होंगे पढ़े पढ़ाए. हम जैसे नॉर्मल लोगों ने कभी नहीं यूज किया था LMS. लेकिन जब हमने LMS यूज किया तो हमने जाना कि कितनी उसमें इमेंस पोटेंशियलिटीज हैं, क्या क्या नहीं कर सकता है वो.
गूगल क्लासरूम कितना टीचर फ्रेंडली और स्टूडेंट फ्रेंडली क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और सभी ने यूज किया होगा उसको. मूडल, मूडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है सबसे ज्यादा सिर्फ तब जब आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब आप उसमें इनरोल कर लें तो वो बहुत ईजी है और कितनी उसमें पॉसिबिलिटीज हैं. गूगल क्लासरूम से मच बेटर है ये, बट थोड़ा सा टेक्नो से भी ज्यादा ये डिमांड करता है. तो मूडल हैव मोर फीचर्स देन गूगल क्लासरूम. फिर असेसमेंट भी आप ई फॉर्म में करना होगा, क्योंकि जब हम पूरे ऑनलाइन मोड में चले गए थे तो हम इसी की शरण में थे. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एज वेल एज इंटरेक्टिव असेसमेंट. एक दूसरे के असाइनमेंट चेक करते हैं, जो आपका ये चलता है कोर्सेरा पे जितने भी मूक्स हैं उसमें कभी सब पीयर असेसमेंट चल रहा है. हमारा असाइनमेंट हमारे साथ पढ़ने वाला चेक करेगा, उसका हम चेक करेंगे और फिर उस पर उसी हिसाब से ग्रेडिंग होती है. क्योंकि हजारों की संख्या में, कभी कभी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इनरोल हैं किसी किसी मूक कोर्स में, तो मूक में अपने आप में कोर्स है, गलती से हर बार मूक कोर्स निकल जाता है मूक्स में, तो टीचर के लिए इम्पॉसिबल है इतना असाइनमेंट चेक करना. फिर ई एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल लेबोरेटरीज इज अ सिमुलेटेड एंड रिमोटली ट्रिगर्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म है ना. हमेशा ये बात होती है कि साइंस सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जाएं, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ाए जाएं आपके ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो वर्चुअल लेबोरेटरीज का कंसेप्ट आ गया और ये फ्लरिश भी कर रहा है. ई कोलेबोरेशन इन द फॉर्म ऑफ गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव. कितना गूगल, देखिए गूगल ड्राइव पहले भी था लेकिन जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में गए तब हमने गूगल ड्राइव को जाना कि एक्चुअली है क्या, शेयरेबल है, कोई भी उस पर जा सकता है, उस पर एडिट कर सकता है, उसको कुछ भी मतलब उस पर काम कर सकता है. एंड ई सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन भी ई सोशलाइजेशन हो गया है. हम कभी किसी से मिले नहीं होते हैं लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट से हम दोस्त बन जाते हैं, हम कितने आइडियाज शेयर करने लगते हैं, कितना कुछ चीज़ें वायरल हो जाती हैं तुरंत थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ओके, व्हाट्सएप तो मतलब बहुत ही छोटा सा वो रह गया, ट्विटर फेसबुक तो बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिल पॉपुलैरिटी है. चैलेंजेस रिक्वायर्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा लग रहा है सुनने में कि बढ़िया हो गया ई कंटेंट हो गया ये सब हो गया, लेकिन कैसे होगा. वी हैव नॉट एनफ क्वालिफाइड स्टाफ, नाइदर रिसोर्सेज नॉर फंडिंग. फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि कहाँ सबके पास स्मार्टफोन है, कहाँ वाईफाई की सुविधा है और सभी लोग क्वालिफाइड भी नहीं है इसको यूज करने के, तो क्या करना होगा. वी हैव टू डील विद टू स्टेप बैरियर्स. पहले हमको दो स्टेप पे ये बैरियर है जो काम करता है. फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, लेकिन एंड द सेकेंड एंड मच प्रॉब्लमेटिक इज दैट ऑफ चेंज इन रिजिड माइंडसेट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को कहा जरूर जाता है कि वो डिजिटल नेटिव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स भी टेक्नो सेवी हों और इस बात को स्वीकारें कि हाँ इसमें पोटेंशियलिटी है, हमको इसको अपनाना है. तो ये ज्यादा मुश्किल है, वो तो पैसे धन फंडिंग से हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा. माइंडसेट में चेंज चाहिए कि आप अपनी रिजिडिटी छोड़िए. एंड देन लैक ऑफ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स टू बिकम अपडेटेड. कोई ऐसा इंट्रेंसिक या एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं है हमारे पास कि हम बन जाए अपडेटेड, ऐसे भी तो काम चल रहा है. एज दोज हु हैव गॉट परमानेंट स्टेटस इन जॉब बिकम रिलेक्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू, एंड दोज हु आर इन सर्च ऑफ जॉब मे नॉट गेट एनफ रिसोर्सेज एंड बैकअप टू ज्वाइन दीज कोर्सेज. है ना, जो जिसके पास परमानेंट स्टेटस है वो सोचता है कि क्या मतलब, हमारी जॉब तो सुरक्षित है, हम सीख कर क्या करेंगे. और जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास फंडिंग रिसोर्सेज नहीं है इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कि वो अपडेटेड हो सकें, स्किल्ड हो सकें जनरली, बट दे आर ऑलवेज एक्सेप्शंस और ऑलवेज एवरीवेयर. एंड देन कंक्लूजन, हाउ कैन वी कंक्लूड दिस टॉपिक. Present era is of industrial revolution 4.0, hence educational system must upgrade itself to education 4.0 so that our graduates can become industry ready. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि there is a gap कि जो industry demand करती है और जो हम produce करते हैं, इसीलिए तो इतनी बेरोजगारी है. वरना क्या मतलब साक्षर लोगों की संख्या में या graduates की संख्या में तो बढ़ोतरी ही हो रही है दिन प्रतिदिन, तो क्यों इतना बेरोजगारी का स्तर है. क्योंकि जो हम पैदा कर रहे हैं, जो हम उत्पन्न कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं इंडस्ट्री को, क्या वो इंडस्ट्री रेडी है, सर्वथा नहीं. देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट ईच लेवल, हेंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सच शिफ्ट इन पैराडाइम. एंड इफ यू फेल टू डू सो देन वी रिमेन प्रोड्यूसिंग ऑब्सोलीट ग्रेजुएट्स हु आर स्किल्ड टू बी अनएम्प्लॉयड. हम ऐसे ही ग्रेजुएट पैदा करते रहेंगे जो स्किल्ड हैं, किसके लिए, कि वो अनएम्प्लॉयड ही रहें. बट इफ यू कैन डू सो देन अवर ग्रेजुएट्स बिकम एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड अ जनरल टॉपिक टुडे, एजुकेशन 4.0. And thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay, done from my side.